आज पूरे देश में रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पतंजलि योग पीठ में भी आज वैदिक सनातन संस्कृति के अनुरूप श्रावणी उपाकर्म रक्षाबंधन पर्व को बड़े ही भव्य रूप में मनाया गया। इस पर्व का प्रारंभ आज प्रातःकाल योग व ध्यान शिविर से किया गया तथा पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज ने गुरु शिष्य पर आधारित इस पर्व का सार और महत्व का वर्णन किया। रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर आदरणीय रेणु बहन, बहन रितंभरा जी, पूज्य साध्वी देवप्रिया जी, बहन आशु व पारुल जी तथा अन्य वरिष्ठ बहनों ने पूरे संस्थान की बहनों की ओर से पूज्य स्वामी जी व श्रद्धेय आचार्य जी को रक्षा सूत्र बांध कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पतंजलि संस्थान देश की सेवा में लगे फौजी भाइयों का हमेशा सम्मान करता है, इसीलिए विशेष रूप से इस रक्षाबंधन त्योहार पर पूज्य साध्वी देव प्रिया जी व अन्य बहनों ने अपनी बहनों से दूर रह रहे सीमा सुरक्षा बल के भाइयों की कलाई को भी रक्षा सूत्र से सुशोभित किया और उनके लिए प्रार्थना की। पतंजलि में आयोजित इस श्रावणी उपाकर्म पर्व के अवसर पर विदेशों से आई कुछ विदेशी महिलाएं भारतीय संस्कृति में रमी बसी नजर आईं। इन विदेशी महिलाओं ने भी पूज्य स्वामी जी व श्रद्धेय आचार्य जी को राखी बांधी और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। देश भर से आई महिलाओं ने भी स्वामी जी व श्रद्धेय आचार्य जी को रक्षा सूत्र बांधे और आशीर्वाद प्राप्त किया तथा साध्वी बहनों व गुरुकुलम की अन्य बहनों ने सन्यासी भाइयों व गुरुकुलम के भाइयों को रक्षा सूत्र बांध कर अपना स्नेह प्रकट किया। श्रावणी उपाकर्म के इस पावन अवसर पर आचार्य कुलम में छात्र छात्राओं का यज्ञोपवीत व उपनयन संस्कार करने की भी परंपरा रही है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी आचार्य कुलम के निर्देशक श्री एल आर सैनी जी व प्रिंसिपल वंदना जी की उपस्थिति में पूज्य स्वामी जी व श्रद्धेय आचार्य जी के मार्गदर्शन में आचार्य कुलम के छात्र छात्राओं का यज्ञोपवीत व उपनयन संस्कार संपन्न करवाया गया। इस अवसर पर पतंजलि भ्रमण पर आए कुछ विदेशी नागरिकों ने भी स्वामी जी व आचार्य जी के मार्गदर्शन में विधि विधान से यज्ञोपवीत धारण किया। इसके पश्चात श्रद्धेय आचार्य जी व पूज्य स्वामी जी महाराज ने संपूर्ण देशवासियों को इस श्रावणी उपाकर्म रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दी और पतंजलि योग पीठ में आए समस्त जनों को आशीर्वचन प्रदान किया। श्रद्धेय पूज्य आचार्य जी ने यह उपनयन वेदारंभ श्रावणी उपाकर्म का यह पावन पर्व रक्षाबंधन पर हम देश धर्म और संस्कृति की रक्षा और सेवा करने के संकल्प के साथ इस अनुष्ठान को हम मना रहे हैं। एक बार आप सबको और संपूर्ण देशवासियों को श्रावणी उपाकर्म की रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। हम सब मिलकर के देश धर्म और संस्कृति की रक्षा और सेवा का व्रत के साथ आज का ये पर्व मनाएं और आइए जिस देश और धर्म की संस्कृति की रक्षा का व्रत हम सब ने लिया है, पतंजलि योग पीठ ने लिया है और कोटि कोटि हमारे ऋषिकाओं की संतानों ने लिया है, उस अपने धर्म और संस्कृति के पुण्य प्रवाह में प्रविष्ट हो जाते हैं। अभी संकल्प पाठ के साथ आज उपनयन और वेदारंभ संस्कार जो संस्कारों की अपनी पावनी परंपरा है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ आज आचार्य कुलम में जिन विद्यार्थियों का नया प्रवेश हुआ है, प्रवेश तो यद्यपि प्रवेश के समय ही हो जाता है अप्रैल महीने से, लेकिन उसका विधिवत उपनयन और वेदारंभ संस्कार का जो प्राचीन काल से हमारे यहाँ सबसे दिव्य समय उत्सव माना गया है वो श्रावण उपाकर्म माना है, इसलिए उपनयन और वेदारंभ संस्कार का विधिवत आज ये अनुष्ठान यहाँ संपन्न हो रहा है। और हमारे आचार्य कुलम के निदेशक आदरणीय एल आर सैनी जी, हमारी प्रिंसिपल बहन मेहता जी और सभी हमारे आचार्यगण आचार्यगण सब यहाँ पर उपस्थित हैं। श्रद्धेय आचार्य श्री के पावन संकल्प से प्रारंभ हुआ यह आचार्य कुलम का अनुष्ठान, इसने पतंजलि योगपीठ की प्रतिष्ठा पूरे राष्ट्र में बढ़ाई है और मैकाले की शिक्षा पद्धति का भारतीय विकल्प क्या हो सकता है
इस संकल्प को आचार्य कुलम के माध्यम से हमने आगे बढ़ाया है, तो इसके लिए एक बार आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। अधीश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव हिरण्यगर्भस्समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं न्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशय्यस्य देवाः यस्य छायामृतयस्य मृत्युर्कस्मै देवाय हविषा विधेम यः प्राणतोरिमिषतो महित्वैक इद्रा जा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ये नद्यौ रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तवितैर्येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजा आपतेन त्वदेतानन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरहीणाम् स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वान् यत्र देवा अमृतमानशानास्कृति ये धामन्नध्यैरयन्त अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोत्यस्मज्जुहुराणमेणो भूयिष्ठान् ते नम उक्तिं विधेम ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना अथ आचमनम् ॐ अमृतोपस्करणमसि स्वाहा ॐ अमृतापिधानमसि स्वाहा ॐ बाहोर्मे बलमस्तु ॐ ऊर्वोर्म ओजोस्तु ॐ अरिष्ठानि मेऽङ्गानि तनूस्तन्वामे सहस्रसन्तु ॐ सुकृतं दैव्यञ्जनम् अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगन्द्यावा पृथिवी मरुतस्वस्तये सुत्रामाणं पृथिवीन्द्यामनेहसं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिम् दैवीं नावं स्वरित्रामना आगसमस्रवन्ती मारुहे मा स्वस्तये विश्वे यजत्रा अधिवोचतोतयेत्रा यध्वन्नो दुरेवाया अभिहृताः सत्यया आवो देवहूत्या हुवेम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये अपामी वामपविश्वामनाहुतिमपारातिं दुर्विदत्रामघायतः
हरे देवा द्वेषो अस्मद्युयोत नरुणः शर्म गच्छता स्वस्तये अरिष्टः समर्थो विश्व एधते प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परी यमा आदित्यासो न यथा सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये यन्दे वासो वथ वाजसा तौ यं शूरसा तामरुतो हिते धने प्रातर्या वा आनं रथमिन्द्रसा नसि मरिष्यन्तमारुहेमा स्वस्तये स्वस्ति नः पथ्या सुधन्वसु स्वस्त्या अप्सु वृजने सर्वति स्वस्ति नः पुत्रकृतेषु योनिषु स्वस्तिराये मरुतो दधातरा स्वस्तिरिद्धि प्रपथे श्रेष्ठारेक्ण स्वत्यभिया वाममेति सानो अमासो अरणे निपातु स्वावेशा भवतु देवगोपा ॐ इषेत्वोर्जेत्वा वायवस्थ देवो वत्सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्न्य इन्द्राय भागं प्रजावति रणमीवा अयक्ष्मा मा वस्तेन ईशत वाघशंसो ध्रुव अस्मिन् गोपदौ स्याद बह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि ॐ आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतो दप्थासु अपरीतास उद्भिदाः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षित रो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्रिजूयताम् देवानागं रातिरभिनो निवर्तताम् देवानागं सख्यमुपसेदि मा वयं देवान आयुः प्रतिरन्दु जीवसे तमीषा आनञ्जगतस्तस्थुषस्पतिं धियञ्जिन्वमवसे भूमहे वयम् पूषा नो यथा वेद साम सद्वृधे रक्षिता पायुरदब्ध स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेम स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्पष्टवागं स्वस्तनोभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः ॐ तत्सत् श्रीब्रह्मणो दिवसे द्वितीये प्रहरोत्तरार्थे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे एकवृन्दषण्णवतिकोटि अष्टलक्षत्रिपञ्चाशत्सहस्र एकोनविंशत्युत्तरशततमे सृष्टिसंवत्सरे पञ्चसप्तत्युत्तरद्विसहस्रतमे विरोधकृत्नाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षाऋतौ श्रावणमासे शुक्लपक्षे पूर्णिमायां तिथौ भानुवासरे भूरादिसप्तलोकानां अन्यतमे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तदेशान्तर्गते उत्तराखण्डप्रान्ते पावनगङ्गायाः पवित्रतीरे हरिद्वारमहातीर्थसमीपे स्थिते
पतंजलि योग पीठस्थे द्वितीय चरणी द्विजत्व सिद्ध्यर्थम। बच्चे बोल सभी बोलेंगे द्विजत्व सिद्ध्यर्थम। उपनयन संस्कारार्थम वेदारंभ संस्कारार्थश्च वयम् अत्र यज्ञं करिष्यामहे। जल छोड़ दें। हे प्रभो कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत्। ये जो यज्ञोपवीत आप धारण कर रहे हो इसके तीन सूत्रों में जो हमारी वेद विद्या है उस वेद विद्या को आप अपने जीवन में धारण करके वेदानुकूल आचरण करने के लिए संकल्पित हो रहे हैं उसका संकल्प होता है यज्ञोपवीत। तो यज्ञोपवीत ये तीन धागे ये जो तीन सूत्र हैं थ्रेड्स हैं ये मात्र धागे नहीं है ये धागे प्रतीक हैं अपनी वेद परंपरा के। ये तीन धागे प्रतीक हैं अपने ऊपर जो बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है ऋषियों का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है अपने पूर्वजों की ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का देश धर्म संस्कृति की रक्षा का तो उसका प्रतीक है। तो सब मिलकर के बोलेंगे प्रथम तंतु जितने भी यज्ञोपवीत धारण कर रहे हैं वो सब बोलेंगे प्रथम तंतु ऋग्वेदम विन्यसामि द्वितीय तंतु यजुर्वेदम विन्यसामि तृतीय तंतु सामवेदम विन्यसामि ग्रंथौ अथर्वाणम विन्यसामि। माने तीन धागों में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और जो ग्रंथ ही है उसके माध्यम से मैं इस त्रयी विद्या को चारों वेदों की वेद विद्या को जीवन में धारण करूंगा और वेदानुकूल आचरण करूंगा इसका आपने संकल्प लिया। प्रथम तंतु अग्निम विन्यसामि द्वितीय तंतु वायुम विन्यसामि तृतीय तंतु आदित्यम विन्यसामि ग्रंथौ प्रजापतिम विन्यसामि। अर्थात आपको अग्नि की तरह सदा ज्ञानमय ज्योतिर्मय प्रकाशमय जीवन जीना है एक क्षण के लिए भी आपके जीवन में अंधेरा ना आए। वायु की तरह आपको गतिशील रहना है और आदित्य की तरह प्रकाशित होकर के उस प्रजापति ब्रह्म के प्रतिरूप बन करके स्वयं ब्रह्म रूप बन करके आपको यह आध्यात्मिक दिव्य जीवन द्विजत्व जिसको कहा जाता है उसको धारण करने का ये संकल्प है। और इस संकल्प से अनुप्राणित तो होकर के आप अपना यह आज उपनयन वेदारंभ संस्कार कर रहे हैं और ये संस्कार के पीछे जो बहुत ऊंचा संकल्प है वो आपका कभी छूटे नहीं। इसके लिए ये पूरे संस्कार का विधि विधान है। तो आइए अब मंत्र बोल करके इस यज्ञोपवीत के पीछे जो बहुत बड़ा संकल्प है यज्ञोपवीत के पीछे जो बहुत ऊंची भावना है बहुत ऊंचा जो व्रत है उस व्रत से उस प्रतिज्ञा से उस संकल्प से संकल्पित तो होकर के और इस यज्ञोपवीत को धारण करते हुए अपने जीवन को वेदमय धर्ममय योगमय पुरुषार्थमय सत्यमय जीने के लिए संकल्पित होंगे। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात्।
ఆయుష్యమగ్రం ప్రతిముంచ శుభ్రం యజ్ఞోపవీతం బలమస్తు తేజః. ఫిర్ సబ్ బోలేంగే ఓం ఓం యజ్ఞోపవీతం యజ్ఞోపవీతం అసి అసి యజ్ఞస్య త్వా యజ్ఞస్య తా యజ్ఞోపవీతేన యజ్ఞోపవీతేన ఉపనయ్యామి ఉపనయ్యామి. అబ్ ధారణ కర్ లీజియే ఆప్ సబ్ गले में धारण करके और दाहिने हाथ के नीचे बाएं कंधे के ऊपर से स्पर्श करता हुआ दाहिने हाथ के नीचे ये यज्ञोपवीत आपने धारण किया है और ऋषि संस्कृति का ये प्रतीक सभी मत पंथ संप्रदायों में दुनिया की सभी संस्कृतियों में अलग अलग प्रकार के प्रतीक होते हैं. ये यज्ञोपवीत हमारी वेद संस्कृति का ऋषि संस्कृति का आर्य संस्कृति का हिंदू सनातन वैदिक संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक है. यज्ञोपवीत और शिखा चोटी. हम लोगों को चोटी के छोटे से बाल रखने में भी शर्म आती. हर ऋषि पुत्र के सिर पर चोटी हो गले में यज्ञोपवीत हो और उनका वेदानुकूल आचरण हो तब हम सच्चे अर्थों में आर्य पुत्र ऋषि पुत्र कहलाएंगे. तब हम सनातन धर्म और संस्कृति के प्रतिनिधि कहलाएंगे. माने ये दो बहुत बड़े प्रतीक हैं, शिखा और सूत्र. चाहे वो संन्यास का प्रतीक हमारा ये भगवा वस्त्र है, चाहे हमारी वेद संस्कृति का प्रतीक यज्ञोपवीत और शिखा है, इसको गौरव के साथ हमें जीवन में अपनाना चाहिए और वेद अनुकूल आचरण ये उससे भी बड़ी बात है. देखो कुछ लोग कहते हैं प्रतीकों से कुछ नहीं होता, आचरण सब कुछ है. कुछ लोग कहते हैं हमने शिखा और सूत्र धारण कर लिया बस हम हो गए आर्य, हम हो गए ऋषि पुत्र. नहीं, दोनों होने चाहिए. प्रतीक दीक्षाएं व्रत उसकी भी बहुत बड़ी महिमा है. माने हमारे जीवन में प्रतीक भी हो, उनका भी गौरव हो और उसके अनुकूल आचरण भी हो. तिरंगा भी ऊपर आसमान में रह रहा है और हमारा आचरण भी ऐसा हो जिससे कि अपने देश का सम्मान और स्वाभिमान बढ़े. हमारे यहाँ पर व्रत और दीक्षा, व्रत है अपने प्रतीकों को धारण करना और दीक्षा है उन प्रतीकों के अनुरूप जीवन को जीना, आचरण करना. तो आज हम इन आचार्य कुलम के छोटे विद्यार्थियों को, इन हमारी ब्रह्मवादिनी बेटियों को और हमारे जो ऋषि कुमार हैं, ऋषिपुत्र हैं, इन सबको और हमारे कुछ विदेशी मित्र आए हुए हैं, इन सब ने यह यज्ञोपवीत धारण किया. एक बार हम सब की ओर से इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ कि सबके जीवन दिव्य हों, सबके जीवन योग में हों, वेदमय हों, सत्यमय हों, पुरुषार्थमय हों, सुखमय हों, शांतिमय हों, समृद्धिमय हों, आनंदमय हों. सबके जीवन में अनंत ज्ञान, अनंत प्रेम, अनंत सुख, अनंत प्रसन्नता, अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अनलिमिटेड पीस, अनलिमिटेड प्रॉस्पेरिटी, अनलिमिटेड डिविनिटी आए. ये है हमारे जीवन का प्रयोजन और यह है हमारा आज का यह अनुष्ठान. अब यज्ञोपवीत के बाद यज्ञ को आगे बढ़ाते हैं. योग और यज्ञमयी है हमारी पूरी यह संस्कृति. पहले योग और यज्ञ का अनुष्ठान हर घर में हुआ करता था, अब हम भूलते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति की जड़ों से कहीं दूर होते जा रहे हैं. पतंजलि योगपीठ का यही प्रयत्न है कि योग और यज्ञ के माध्यम से अपनी वैदिक संस्कृति की जड़ों से पूरे राष्ट्र ने पूरे विश्व को जोड़ना और आने वाले 25-50 वर्षों में ऐसे हजारों सन्यासी, ऐसे हजारों योगी, ऐसे हजारों वेद मार्ग पर चलने वाले द्विज, ऐसे वेद मार्ग अनुगामी
हम भाई बहनों को तैयार कर देंगे जो राष्ट्रीय नहीं पूरे विश्व को योगमय, पूरे विश्व को वेदमय, सुखमय, शांतिमय, समृद्धिमय बनाए। और यही तो संकल्प है हमारा, और यही जीवन का प्रयोजन है, इसी के लिए जीवन है, जीवन का यही प्रयोजन है। और इस कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मात्र यह एक योगासन, प्राणायाम और ध्यान की प्रक्रिया का अनुष्ठान नहीं है, मात्र यह कुछ धागे धारण करके आहुतियां देने का अनुष्ठान नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा संकल्प है, वेद संस्कृति, ऋषि संस्कृति की प्रतिष्ठा का एक पुण्य अभियान अनुष्ठान है ये पतंजलि योगपीठ का। हम अपने पर्वों को भूलते जा रहे हैं, अपने पर्वों की जो मूल परंपरा है उस वेद परंपरा से, ऋषि परंपरा से कहीं दूर, सत्य से इतने दूर हो गए कि बस एक दो बात हमने सुन ली, बस इतना ही सत्य है। नहीं, एक एक सत्य के मूल में जाने की हमारी भावना होनी चाहिए कि 15 अगस्त क्या है, 26 जनवरी क्या है, रामनवमी क्या है, जन्माष्टमी क्या है, वासंती नवसष्टि क्या है, शारदीय नवसष्टि क्या है, फाल्गुनी नवसष्टि क्या है, ये श्रावणी उपाकर्म क्या है, एक एक पर्व के रक्षाबंधन है क्या, खाली धागा बांध दिया हाथ में, मात्र इतना ही नहीं है, इसके साथ में हम धर्म और संस्कृति के बंधन में, धर्म और संस्कृति के व्रत में, संकल्पों में संकल्पित हों, बहुत ऊंचा व्रत है, और उसी व्रत के साथ हम बहुत बड़ी प्रामाणिकता और बहुत बड़ी संस्कृति और सभ्यता का ये जो पुण्य प्रवाह है उसको पूरी तरह से जीवन में आत्मसात करते हुए हम जीवन को पूरी पूर्णता और दिव्यता के साथ जीने के लिए संकल्पित हो रहे हैं। इतना बड़ा ये पर्व है।